हेलो फ्रेंड्स, आज हम बिल्कुल बिना मसाले की तुरई बनाने जा रहे हैं, क्योंकि कई बार हमारा मसाले की सब्जियों से बहुत मन भर जाता है, या व्रत के दिनों में आप आलू खा के आपका मन भर जाता है। तो आप ये तुरई की एक ऐसी सब्जी बना सकते हैं जो कभी आपका हल्का खाना खाने का मन है तो आप इसको बना सकते हैं, जो बिल्कुल इसमें बहुत कम मसाला पड़ता है। ये इसके लिए मैंने 1 किलो तुरई ली है। इनको इस तरह से धो के छीलने के बाद धो लिया और फिर ऐसे गोल पीसेस में कट कर लिया है। ये मैंने 2-3 हरी मिर्च लंबी कट करके ले लिए हैं, और ये आधा चम्मच जीरा और आधा चम्मच हींग ली है, और ये कुटी हुई लाल मिर्च है, और साथ ही मैं इसमें 2 बड़े प्याज लिए हैं। मैंने इसको लंबा इनको स्लाइस कर लिया है। अगर आप व्रत में बना रहे हैं या प्याज नहीं खाते हैं तो आप प्याज को हटा लें, और बाकी इस सब्जी को आप सरसों के तेल की जगह फिर आप देसी घी में बना लें अगर आप व्रत है आपका। तो इसके लिए मैंने कढ़ाई को गैस पे रख लिया है, और अब हम गैस को ऑन कर लेते हैं, और इसमें हम 1 बड़ा चम्मच ऑयल डाल रहे हैं। मस्टर्ड ऑयल डाला है हमने। अगर आप चाहे तो इसमें देसी घी में भी इसको सब्जी को बना सकते हैं। इसको अच्छे से पहले गरम कर लेंगे, फिर आगे शुरू करेंगे। ये ऑयल अच्छा गरम हो गया है। अब हम हींग और जीरा एक साथ डाल रहे हैं। इसको हल्का सा भून के इसमें ये जो हमने हरी मिर्च चीर के रखी थी, बीच से काट के रखी है, इनको डाल देंगे इसमें। गैस हमने सिम कर रखी है इस समय, और इसी के साथ हम ये प्याज डाल रहे हैं। हरी मिर्च का आप यूज जरूर किया करें सब्जी में, क्योंकि हरी मिर्च में विटामिन सी होता है। तो आप चाहें तो लाल मिर्च भले ही कम डालें किसी सब्जी में, लेकिन आप हरी मिर्च जरूर डालें, बच्चों के लिए भी अच्छी रहती है ये। और तुरई तो वैसे भी हमारे लिए बहुत अच्छी रहती है, हेल्थ में हल्की भी है, लाइट भी होती है, टेस्टी भी होती है। तो आप इसे व्रत में खा सकते हैं आराम से। प्याज को आप स्किप कर दें इसमें से, और नमक की जगह आप इसमें सेंधा नमक डालें, तो आप इसको आराम से व्रत में भी खा सकते हैं। प्याज को हमने 2-3 मिनट तक भूना है, और अब हम गैस को हल्का कर दिया है हमने। अभी तक हमने गैस को तेज कर रखा था, अब थोड़ी देर इसको आंच को सिम करके भी भून लेते हैं। यूपी में इस तरह की बिना मसाले की सब्जी को तरकन की सब्जी भी कहा जाता है, जिसमें मसाले नहीं डाले जाते हैं। और इस समय अभी प्याज भून चुका है, थोड़ा सा ब्राउन होने लगा है, तो हम इसमें आधा चम्मच कुटी लाल मिर्च डाल रहे हैं, और 1/4 चम्मच खाली हम कश्मीरी लाल मिर्च डाल रहे हैं, जिससे थोड़ा रंग अच्छा आ जाए इसका। साथ ही हम इसमें नमक डाल रहे हैं 1, और आधा 1.5 चम्मच हमने इसमें नमक डाला है, क्योंकि तुरई बनने के बाद बहुत कम हो जाती है। तो इसको अच्छे से थोड़ा सा भून लेंगे, गैस को थोड़ा मीडियम कर लेते हैं और इसको भून लेते हैं पहले। बस इसको ज्यादा नहीं भूनना है, इसमें कोई और मसाले तो है नहीं। तो अब हम इसमें जो हमने तुरई काट के रखी है वो डाल देते हैं। अब ये तुरई आपको बहुत ज्यादा दिख रही है, अब ये जब गल जाएंगी तो ये बहुत कम रह जाती हैं। और थोड़ी देर हम गैस को तेज कर रहे हैं और इसको ढक देते हैं। थोड़ी देर में जब इसमें प्रेशर थोड़ा अंदर बन जाएगा, स्टीम हो जाएगी, तब हम गैस को सिम कर देंगे। अब गैस को हमने सिम कर दिया है 2 मिनट बाद ही, और इसको थोड़ा सा चला देते हैं। पानी इसमें एक्स्ट्रा बिल्कुल भी नहीं डालना है, क्योंकि तुरई में बहुत पानी होता है। थोड़ा सा चला के इसको, और अब हम फिर से ढक देते हैं। 5 मिनट हो चुके हैं, इसको आप खोल कर देख लेते हैं एक बार। देखिए इसमें कितना एक्स्ट्रा पानी आ गया है तुरई में, लेकिन अभी इसे थोड़ी देर और गलाना है। ये बिना मसाले की सब्जी जरूर है, लेकिन ये बहुत टेस्टी लगती है। इसे आप आराम से कभी भी, आपका जैसे कभी मन नहीं है हमें हैवी खाना खाने का, हल्का खाने का मन है, तो आप इसे आराम से बना सकते हैं। 10 मिनट और हो गए हैं, और इसको अब हम चेक कर लेते हैं इसमें कितना एक्स्ट्रा पानी हो गया है, और तुरई अब अच्छे से गल चुकी है। तो ऐसे में हम गैस को मीडियम फ्लेम करके और खोल कर ही अब हम इसको पकाएंगे, ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो जल जाए। फ्रेंड्स, इसको हमने तेज आंच करके कुछ देर इसका पानी हमने अच्छे से जला लिया है, और इसमें बहुत कम पानी बचा है। और अब लास्ट में 1 छोटा चम्मच हमने देसी घी लेकर उसमें कश्मीरी लाल मिर्च को थोड़ा सा भून लिया है, जिससे इसमें बहुत अच्छा सा ही कलर आ जाएगा, और ये सब्जी खाने में भी बहुत टेस्टी हो जाएगी। देखिए ये गाढ़ी सी तुरई हो गई है। अब इसको आप चावल से भी खा सकते हैं वैसे तो, लेकिन आप रोटी से ये बहुत अच्छी लगती है खाने में। तो चलिए इसको आप सर्व कर लेते हैं।